हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास सेवन्थ. नेम ऑफ द चैप्टर इज मोशन एंड टाइम. नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज, सी आवर टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ टाइम विद क्लॉक एंड वॉचेस. नाउ इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस लाइक द मेजरमेंट ऑफ टाइम्स इन विद द हेल्प ऑफ सन डायल्स एंड ग्लास आवर्स. बट टुडेज मेजरमेंट ऑफ टाइम विद अ क्लॉक एंड वॉचेज द डिजिटल्स, लाइक डिजिटल वॉचेज, लाइक स्टॉप वॉचेज, वॉच ऑफ मोबाइल्स एटसेट्रा एटसेट्रा. मीन्स यहाँ पे क्या है, कुछ एडवांस्ड हम करने वाले हैं. जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा था ना, वो तो एंशिएंट टाइम का टाइम था कि कैसे वो टाइम को देखते हैं. लेकिन अभी एट प्रेजेंट जैसे हम टाइम को यूज कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, वो सब के लिए उस सब को आज क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. नाउ फर्स्टली पेंडुलम क्लॉक वॉज फर्स्टली डिवाइस्ड, किसने कह रहा था इसको, गैलीलियो ने, ठीक है, जो कि इटालियन के साइंटिस्ट थे. और ठीक है, गैलीलियो इन 1564 एंड 1642 उन्होंने ये सब कहाँ देखा था, एक चर्च में. उन्होंने एक लैंप देखा था, चर्च में हैंग किया हुआ लैंप था. फिर उसने क्या किया था, उसको वो बहुत टाइम से देखे जा रहे थे कि ये कैसे उसके नीचे वो जो लैंप का था वो हैंग जो है वो मूव कर रहा है टू एंड फ्रो लाइक दिस. पेंडुलम इस पेंडुलम की तरह मूव कर रहा था लाइक दिस. तो ये जो क्या है, एंड टू एंड फ्रो मोशन, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो. जैसे ओ इसका ओरिजिनल पोजिशन है, यहां से कभी वो ए पे जा रहा है कभी वो बी पे जा रहा है. दिस इज अ टू एंड फ्रो मोशन. गैलीलियो इसको देख रहे थे. फिर उसने इसको किसमें क्या एक आइडिया है कि एक पेंडुलम क्लॉक लाइक दिस, ऐसा उनके माइंड में एक आइडिया है पेंडुलम क्लॉक बनाने का. तो ये दिस लाइक, जैसे ये एक बॉब है ना, सिमिलरली ये उन्होंने एक बनाया. अब ये क्या है, ये मूव करता है लाइक पहले यहाँ से और फिर ऐसे मूव करेगा. दैट इज टू एंड फ्रो मोशन. और ये क्या करता है, टाइम के साथ एक सेकेंड में अपना एक ऑसिलेशन क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है. ओके, जैसे आपको बताया मैंने कि ओ टू ए एंड ए टू बी जा रहा है बैक दिस. सो दिस वॉज, ये जो टाइम टेकन कर लेता है ए टू बी जाने में, द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड. जो ये अपनी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट कर रहा है ना, ऑसिलेशन का मतलब होता है ओ सेंटर पे है, ओ से ए फिर ऐसे करके बी, ये जो यहां से पूरा एक करके फिर ओ पे पहुंच रहा है ना, दैट इज ऑसिलेशन. इसको बोलते हैं ऑसिलेशन. और ये इसका एक टाइम पीरियड होता है, किसने कितने टाइम पीरियड में इसको कवर किया. ओके, नाउ नेक्स्ट वन हमारे पास आता है, यू सी ऑन एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन दैट हैज बीन द फाउंड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन टाइम पीरियड फ्रॉम द पेंडुलम अबाउट 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वन सेकंड. मतलब जैसे आपके पास ये इसकी लेंथ जो है अगर 25 सेंटीमीटर होती है, तो उन्होंने देखा कि ये वन सेकंड में अपना एक टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट कर लेता है. क्लियर. नेक्स्ट वन आपके पास आता है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड और रॉड ऑफ द पेंडुलम. जो भी हमारा ये जो टाइम है ना, ये जो पेंडुलम के टाइम पीरियड है, ये डिपेंड करता है हमारा किसके ऊपर करता है, ये लेंथ ऑफ दिस, इसके वेट के ऊपर नहीं करता है. इसमें कितना वेट लगाया, कितना मास लगाया, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. बिकॉज अगर काफी लंबा होगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा उसको मूव करने में. इज इट क्लियर. वेट डजंट मैटर, मैटर करता है आपकी लेंथ, कि ये जो थ्रेड की लेंथ है ये कितनी ज्यादा है, वो डिपेंड करेगी कि वो कैसे ए और बी में जा पहुंचने में टाइम लगाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास टाइम मेजरमेंट के लिए हमारे पास मॉडर्न क्लॉक्स आ रही हैं, वॉचेज है, प्रोडक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, सो मेनी. जैसे पेंडुलम वॉच देखिए, सिंपल हमारे पास क्लॉक्स आती है. फिर हमारे पास डिजिटल वॉचेज, हमारे पास जो हम हैंड वॉचेज पहनते हैं. फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्टॉप वॉचेज. स्टॉप वॉचेज होती है रेस एथलेटिक्स में यूज किया जाता है. इतना स्मॉल टाइम को ये मेजर करता है, लाइक पहले तो हम आवर्स में देख रहे थे, फिर हमने मिनट्स में देख लिया, फिर सेकंड्स में, ये अब नैनो सेकंड्स में देखते हैं. मतलब सेकंड्स से भी लेस, 1/100th ऑफ द सेकंड्स. मतलब हम स्टॉपवॉच से क्या करते हैं, 1/100th, मतलब एक सेकंड के भी 100th लेस को भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं. ओके, अब हर वॉचेस का काम फिनिश कर दिया इस मोबाइल्स ने. अब इतना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि अब हमें वॉच की नीड नहीं पड़ती है. हमारी वॉच किस में आ गई है, हमारे मोबाइल फोन्स में. ओके, ये था हमारा इस टाइम एडवांस टेक्नोलॉजी, जिससे हम क्या कर रहे हैं, टाइम को मेजर कर रहे हैं. लिटिल हम एक नैनो सेकेंड्स को भी क्या कर सकते हैं, इजिली मेजर कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन हमारे पास आता है एक्टिविटी. तो ये सही एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हैं. वैसे इसमें क्या था, लाइक आप एक थ्रेड लेंगे, उस थ्रेड के साथ नीचे कोई वेट लाइक बॉल भी हो सकती है, कुछ भी रिंग भी हो सकती है, लाइक ये जो आप रिंग फिंगर्स में डालते हैं, रिंग को भी हैंग कर सकते हैं. फिर आप उसको क्या करेंगे, टू एंड फ्रो आप उसको मूव करवाएंगे, लाइक ये सेंटर है, आप इसको दूर जाकर छोड़ेंगे. तो ये जो इसकी ऑसिलेशन है, डिपेंड करता है इसकी लेंथ के ऊपर. ये देखना है आपने कि लेंथ के ऊपर, अगर आपकी लेंथ ज्यादा है तो वो ज्यादा टाइम लेगा मूव करने में, अगर शॉर्टर है तो वो जल्दी अपना मोशन, अपना जो ऑसिलेशन है उसको कंप्लीट कर लेगा. ओके, दिस इज योर एक्टिविटी. नाउ कम टू द क्वेश्चंस. अब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट टू लर्निंग आउटकम्स. फर्स्ट वन आपके पास आता है, हाउ वॉज द डे डिवाइडेड इंटू 7 पार्ट्स ऑफ अवर इंसेंटर्स. आपने पढ़ा था, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 7 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया था हमारे इंसेंटर्स ने. तो उन्होंने किया था फर्स्टली मॉर्निंग, फिर सनराइज, फॉरनून, नून, आफ्टरनून, सनसेट एंड
इवनिंग, दीज सेवन पार्ट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता था, व्हाट डू यू नो अबाउट सनडायल। तो सनडायल आपको पता है, सनडायल जो है एक वॉच है, लेकिन ये सिर्फ हम सन की प्रेजेंस में ही देखते हैं। सो टाइम वॉज मेजर विद द हेल्प ऑफ द लोकेशन ऑफ इट्स शेडो, मीन्स शेडो की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, टाइम को देख सकते हैं सनडायल को। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ सनडायल। लिमिटेशन का मतलब होता है सनडायल की क्या लिमिटेशन थी, कहाँ किस हद तक की था, मतलब क्या ज्यादा नहीं था सनडायल्स में। तो सनडायल में सिर्फ एक ही लिमिटेशन थी, द सनडायल कुड ओनली बी यूज ड्यूरिंग डे टाइम, सिर्फ दिन के टाइम देख सकते थे, रात को इसका हम यूज नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट इज व्हाट वॉज गैलीलियो डिस्कवर्ड, पेंडुलम क्लॉक वॉज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो। नेक्स्ट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, मतलब एक यहां से लेके वहां जाने में कितनी ऑसिलेशन कर रहा था, दैट इज। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन करना है ऑसिलेशन, ऑसिलेशन होता है सिंगल टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम, जैसे मैंने बताया था ये मोशन यहां से यहां जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन, एक जो मूव कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज पेंडुलम, अ बॉल और मास सस्पेंडेड थ्रू अ थ्रेड, जब भी कोई ऐसे करके किसी थ्रेड के साथ कोई मास वेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ पेंडुलम। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, सी क्वेश्चन इज व्हाट इज टाइम पीरियड एंड हाउ इज टाइम पीरियड रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, व्हाट इज टाइम पीरियड। सो नेक्स्ट हमारा हमने क्या करना है, हाउ इज टाइम पीरियड रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ पेंडुलम, कैसे रिलेट करते हैं। तो सी द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉल, इस मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट ओनली ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सिर्फ उस थ्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। टू पेंडुलम्स विद डिफरेंट मासेस बट द स्ट्रिंग लेंथ हैव द सेम टाइम पीरियड, मतलब अगर आपके पास दो पेंडुलम्स हैं, दोनों की स्ट्रिंग की लेंथ सेम है, लेकिन वेट अगर डिफरेंट है, तो दोनों का टाइम क्या होएगा, सेम। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट योर वर्क, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।